बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम माय डियर लर्नर्स वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी यूजीपी हम अपने आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक वन की स्टोरी नंबर वन बटन बटन जिसे लिखा है रिचर्ड मैथिसन ने का पार्ट नंबर थ्री पढ़ेंगे लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डजंट इट इंट्रीक यू क्या ये आपको मुतजस नहीं करती इट ऑफेंड्स मी ये मुझे नाराज़ करती है थर सेड आर्थर ने कहा आई नो मैं जानती हूँ बट लेकिन नॉमा रोल्ड एन अदर कर्लर इन हर हेयर नॉर्मा ने अपने बालों में एक दफा फिर कर्लर फेरा इट यू क्या ये आपको मुतजस नहीं करती यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक शी आस्ट एंड वेंट इन टू द रूम आपके ख्याल में ये एक अमली जोक है उससे पूछा और वो कमरे में चले गए इफ इट इज़ अगर ये है इट्स अ सिक वन तो ये बहुत बुरा मजाक है नॉमा सेट ऑन हर चेयर नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई एंड सेट आफ्टर और इसके बाद कहा मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च हो सकता है कि ये किसी किस्म की कोई नफसियाती रिसर्च हो ऑर्थर श्रट और ने कंधे उचकाए कुड भी हो सकता है मे बी सम में सेंट्री मिलीनियर इज डूइंग इट हो सकता है कि कोई खपती मालदार ये कर रहा हो मे बी हो सकता है वुडेंट यू लाइक टू नो क्या तुम ये जाना पसंद नहीं करोगे और शुक हैथ ने अपना सर नाम हिलाया वाई क्यों बिकॉज इट्स इमोडल क्योंकि यह गैर इखलाकी है ही टोलढर उसने उसे बताया नामा स्ली बीनीथ दर्स नोमा रजाई में घुस गए वाल well, खैर आई थिंक मेरा ख्याल है इट्स इंट्रीगिंग ये मुझे मुतजस कर रही है शी सैड उसने कहा ऑथर टर्न ऑफ द lamp. ऑर्थर ने लैम्प बुझा दिया गुड नाइट शब्बा खैर ये सैड उसने कहा नमक closed हर आइज नोमा ने अपनी आंखें बंद की फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स पचास हजार डॉलर्स शी था उससे सोचा इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट जैसे ही उसने अपार्टमेंट को छोड़ा नॉर्मा card हाउस ऑन द टेबल नॉर्मा ने उन कार्ड के टुकड़ों पर टेबल पर देखा impulsively शी ड्रॉप डेब इन टू हर पर्स इस तरारी तौर पर उसे इन्हें अपने पर्स में फेंक दिया शी लॉक द डोर उससे दरवाजा बंद किया एंड जॉइंट ऑर्थर इन द elevator और लिफ्ट में ऑर्थर के साथ जा मिली While शी was on हर कॉफी ब्रेक जब वो कॉफी की ब्रेक पे थी शी उसने टुक द कार्ड हाउस उसने कार्ड के टुकड़ों को उठाया फ्रॉम हर पर्स अपने पर्स से एंड द एडजस्ट टूगेदर और इसके कोनों को आपस में जोड़ा ओनली मिस्टर स्टीवर्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर्स वन प्रिंटेड ऑन द कार्ड सिर्फ मिस्टर स्टीवर का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड के ऊपर प्रिंट हुए हुए थे आफ्टर लंच लंच के बाद द कार्ड हावस फ्रॉम द पर्स अगेन उसने कार्ड के टुकड़ों को दोबारा पर्स से निकाला एंड स्कॉस टेप द एजेस टुगेदर और इसके कोनों को आपस में स्काश टेप के जरिए जोड़ा Why एम आई डूइंग दिस मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ शी thought, उसने सोचा जस्ट बिफोर फाइव पांच बजने से कुछ देर पहले शी dialed द नंबर उसने नंबर डायल किया गुड आफ्टरनून सैड मिस्टर स्टीवर्स वॉइस मिसज टीवर्ड ने कहा सपहर बखैर नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप नॉर्मा तकरीबा फोन रखने ही वाली थी बट रेस्ट्रेंड हर सेल्फ लेकिन उसने अपने आप को रोका शी क्लियर हर थ्रोट उसने अपना गला साफ़ किया दिसिज मिसिज लोयस ये यहाँ पर मिसिस लोइस बोल रही हैं शी सैड उसने कहा येस मिसिस लोयस जी मिसिज लोयस मिसिस टीवर्ड साउंड प्लीज मिसटेस टीवर्ड बहुत खुशगवार अंदाज में बोले आई एम क्यूरियस मैम दैटरल ये कुदरती चीज है Mr. Said, Mr. ने कहा नॉट देट आई बिलीव अ वर्ड फॉर शूज टोअर लस इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी भी लफ्ज का यकीन किया जो आपने हमें कहा ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक ओह ये बिल्कुल ऑथेंटिक है मिस्टर स्टीवर्ड आंसर्ड मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया वेल well, है वट एवर जो कुछ भी है नॉमा स्वेलोड नॉमा ने अपने अपने आप को बात करने से रोका वेन यू सेड सम वर्ल्ड डाई जब आपने कहा कि कोई शख्स दुनिया में मर जाएगा बट डिड यू मीन तो आपसे इसका क्या मतलब था एग्जैक्टली exactly दैट बिल्कुल यही मतलब था ये आंसर उसने जवाब दिया इट कुड बी एनी वन ये कोई भी हो सकता था ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो दैम और हम इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि आप उन्हें नहीं जानती होंगे एंड ऑफ कोर्स यकीन दैट यू वुडेंट हैव टू वॉच देम डाई और आपने आपको उन्हें मरते हुए भी नहीं देखना पड़ेगा फॉर फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स नामा सेट नामा ने कहा पचास हजार डॉलर के लिए दैट इज़ करेक्ट ये बिल्कुल ठीक है शी मेड एस स्कॉफिंग साउंड उसने एक नफरत अंगेज आवाज पैदा की दैट्स क्रेजी ये बिल्कुल पागलपन है नन लेस दैट इज द प्रोपोजिशन खैर यही पेशकश है मिस्टर स्टीवर सेट मिस्टर स्टीवर ने कहा Would यू लाइक like me टू रिटर्न द बटन यूनिट क्या आप मुझे बटन यूनिट वापस करना पसंद करेंगी नॉमास रिफंड Norma की आवाज़ में सख्ती आ गई सटल not. नॉट बिल्कुल भी नहीं she hung up angrily. उसने गुस्से से फोन रख दिया द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर वो जो डब्बा था वो सामने वाले दरवाजे के साथ पड़ा हुआ था नॉमा सॉइट नॉर्मा ने इसे देखा एज शी लेफ्ट द elevator. जैसे ही उसने लिफ्ट को छोड़ा वेल खायर ऑफ ऑल द नर्व शी थाट उसे अपने पूरी होशोवास के साथ सोचा शी द कार्टन उसने इस डब्बे को घूरा एज शी अनलॉक द डोर जैसे ही उसने दरवाजे को खोला आई जस्ट वुडन टेक इट इन मैं अभी इसे अंदर नहीं लेके जाऊंगी शी थॉट उसने सोचा शिवेंट इन साइड एंड स्टार्टेड डिनर वो अंदर गई और उसने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं इन अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका बकिया हिस्सा करवाऊँगी अपना ख्याल रखिएगा स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़